हेलो किड्स, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, हमने हमारी जो लास्ट हिंदी की क्लास थी उसमें मैंने आपको औ से औरत की मात्रा कंप्लीट करवा दी है, उससे रिगार्डिंग क्वेश्चन आंसर भी करवा चुकी हूँ। ओके, यस, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अ न्यू टॉपिक, दिस नेम इज एक वचन और बहुवचन। आज हम ग्रामर का एक नया टॉपिक करेंगे जो कि एक वचन और बहुवचन। ओके, यस, सो प्लीज़ ऑल ऑफ यू टेक आउट योर हिंदी नोटबुक। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन टुडेज डेट। टुडेज डेट इज 7/2/2022 ईयर, और आपको लिखना है हेडिंग कब एक वचन बहुवचन। एक वचन बहुवचन मतलब कोई चीज़ जैसे एक है, जैसे उसका बहुत सारे चीज़ों में ट्रांसफर मतलब। यस, देखो आप पहले लिखो, लिखने के बाद में आप समझ जाओगे। यस, नंबर वन लिखोगे, फर्स्ट है तारा। तारा मीन्स एक तारा, तो इसका बहुत सारे तारों में तो क्या हो जाएगा, तारा का तारे। तारे मीन्स बहुत सारे तारे, है ना। तारा मतलब एक वचन, तारे मतलब बहुवचन हो गए। नंबर टू पे लिखो केला। केला, केला का क्या हो जाएगा, केले। केला का क्या हो जाएंगे, केले। यस, नंबर थ्री लिखो, एक लाइन छोड़कर नंबर थ्री लिखेंगे चूहा। चूहा, चूहा का क्या हो जाएगा, चूहे, बहुत सारे चूहे। चूहे, यस। नंबर फोर पे लिखेंगे तोता। तोता, तोता का क्या हो जाएगा, तोते, तोते। और नंबर फाइव पे है छाता, मीन्स एक छाता। छाता मतलब एक छाता, बहुत सारे छातों को क्या बोलेंगे, छाते, छाते। तो इस तरह से आपको एक वचन और बहुवचन करना है, ये आप अच्छे से सीख लेना। अब मैं आपको री की मात्रा के शब्दार्थ करवाऊंगी। ओके, यस, री की मात्रा के शब्दार्थ। आप हेडिंग लिखोगे शब्दार्थ। शब्दार्थ लिखकर हमको लिखना है री की मात्रा के। री की मात्रा के सिर्फ शब्दार्थ ही आएंगे। यस, लिखो फर्स्ट घृत। घृत, घृत मतलब घी। घृत मतलब क्या होता है, घी। लिखो घृत, घी। नेक्स्ट है ग्रह। ग्रह, ग्रह मतलब घर। ग्रह मतलब घर। नंबर थ्री पे है नृप, मतलब राजा। फोर नंबर पे है तृण, मतलब घास। फाइव नंबर पे है वृक्ष। वृक्ष मतलब पेड़। नंबर सिक्स मृग। मृग मतलब हिरण। और लास्ट है नंबर सेवन कृषक। कृषक मतलब किसान। एक बार फिर से, घृत मतलब घी, ग्रह मतलब घर, नृप मतलब राजा, तृण घास, वृक्ष पेड़, मृग हिरण, और कृषक मतलब किसान। तो ये आपको री की मात्रा के शब्दार्थों को आपको याद करना है और आपकी कॉपी में राइट करना है। ओके डियर, बाय, टेक केयर।